अभी भी हो रही है। छाता लेके हमें जाना पड़ेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दूसरी लेन में अभी किधर जाना है हमें? आगे चलना है। एंट्री किधर से लग रही है? भाई खाने पीने का सामान यहाँ पे भुट्टा बिक रहा है। भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। सुंदर नज़ारे भी हैं। एंट्री करा लेते हैं हम लोग। टिकट मेरी जेब में। एंट्री जो है वो हम लोग की हो चुकी है। क्यों कौन सी एंट्री से जाना है ये बता रहे हैं ना? टिकट दिखा दो। और वो एंट्री बताएंगे ना कौन सी वाली एंट्री से जाना है, क्योंकि अलग अलग टाइप की टिकट है ना। कितना मेंबर है? तीन लोग हैं। चलो इस वाली से। क्रॉस करते हुए जाना है। सिक्योरिटी ऑल डन? सिक्योरिटी हो गई चेक? भाई जो बारिश हो रही है ना लिटरली बहुत ज़्यादा है।
इससे भी भाई लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं गोल्फ कार्ट वाली से ना, पर नॉर्मल डेज में, क्योंकि मैंने ये देखा था एक जगह, मैंने देखा था कि यहाँ पे इतना डिस्टेंस हो जाता है। व्यू तो आ रहा है, हाँ पूरा जो चेहरा है ना, वो चेहरा जो है वो उसमें बादलों में जो है हो गया। लेकिन ऐसे मौसम में जो चेस्ट तक जाने का मज़ा होता है ना, वो होगा नहीं चेस्ट तक जाने का स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ चल के देख के आते हैं एक बार। बारिश हल्की हो गई है एकदम, तड़का फोटो आएगा उस तरफ आएगा लेफ्ट साइड से, राइट साइड से आएगा। नॉर्मल डेज पे लोग हैं तो आराम भी कर लेते हैं भाई, इतनी सीटें पड़ी हुई हैं। भाई यहाँ से जो भी है बादल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है यहाँ पे यार, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है। और ये देखो तुम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो सर है तो बादलों में ही, बादल इतने नीचे आ गए हैं। स्टारबक्स भी है भाई यहाँ तो, स्टारबक्स भी है। भाई फास्ट जाने के लिए एयरपोर्ट वाला सिस्टम है यहाँ पे, क्या कहते हैं इसे कुलदीप, एयरपोर्ट वाले सिस्टम को। अरे एस्केलेटर तो वो होती है ना जो एस्केलेट करे आपको, ये क्या होगी ये बताओ पहले। फास्ट हॉरिजॉन्टल एस्केलेटर है कि हाँ छाता बंद कर सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट पकड़े नहीं, गुजराती होती लो भाई। वहाँ देख बीच में क्या चल रहा है, वहाँ पे कुछ बीच में तो पानी होता है ना, लेकिन कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऐसे उठेगा ये पानी एकदम से कैसे उठ रहा है। यहाँ जो हट टाइप का बना रखा है वो भी कितना प्यारा लग रहा है। अरे बोरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, इसके पहले चाइना का कोई था। हाँ ये नीचे म्यूजियम है, म्यूजियम की भी हमारी एंट्री है ना उसमें टिकट में, और ये भी सबकी है। ऊपर जाने का नहीं तो ऊपर चलते। बारिश भी ऑलमोस्ट रुक गई है,
एस्केलेटर चलते हैं। भाई वैली बहुत ज़्यादा सुंदर आ रही है। बीच बीच में देखो तुम नदी में पानी ऊपर की तरफ जा रहा है जो। बहुत ज़्यादा और ऊपर चल। कम से कम ये ठीक है कि यहाँ पे एस्केलेटर्स दे रखी हैं तो उतना चलना नहीं पड़ रहा है। पहाड़ों के बीच में जो बादल आ रहे हैं ना वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। भाई यहाँ से जो नजारा आ रहा है ना पूरी वैली का वो लिटरली बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ सरदार सरोवर डैम है वो सामने है। पानी नहीं छोड़ रहा बहुत ज़्यादा प्यारी है। अभी ठीक है पानी है बारिश का बहुत ज़्यादा पानी है। ऊपर चलते हैं और इस तरफ क्वीन एरिया अंदर क्या चीज़ है बाद में आके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। क्या म्यूजियम है? म्यूजियम की एंट्री है अपनी। पहुंच चुके हैं। ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। बहुत तेज हवा चल रही है ऊपर। तो साइज जरा कंपेयर करना गाना जरा टो के पास। ये देखो गाइस ये टो के बराबर भी नहीं है और कितना बड़ा स्टैचू है। इधर से व्यू इतनी बारिश में भी हम लोग ऊपर तक आ गए फिर बहुत तेज हवा चल रही है ऊपर। नजारा अच्छा है यहाँ से बारिश अभी भी हो रही है लेकिन यार यहाँ इन लोग का फोटोग्राफी सेशन चालू हो गया है। फोटो लेने के लिए व्यूज तो इधर है यार। इसलिए फोटो वेंकी का मैं पर्सनल फोटोग्राफर हूँ आज आज के लिए। वेंकी हमारा पर्सनल फोटोग्राफर है। इसको पहले पकड़ ले इसमें मैंने पैर से दबा रखा है कि उड़ ना जाए। हाँ ना
एकदम सही फोटो खींचेगा। मेरा ये छाता ले ना, फोटो खींच खींच कैमरा के साथ। यार अब चलते हैं म्यूजियम में, इसकी एंट्री खाता बंद करते हैं। वैंकी एक मिनट होल्ड करना, हाँ एक मिनट होल्ड करना। एक बार वॉशरूम चलेंगे, आते हुए चलते हैं, जानकारी डेस्क के आज। चलो चलते हैं, मेकिंग अंदर आके थोड़ा चैन मिला, इतनी बारिश हो रही थी बाहर तो, है ना। मेकिंग देख ले भाई, एक बड़ी चुनौती थी कि इस अप्रतिम प्रतिमा के लिए स्थान कौन सा चुना जाए। यार यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन जो है मिल रही है, प्लान द यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन। देश भर से लोहा जमा हो चुकने के बाद अब तंत्रज्ञों अभियांत्रिकों को लोहा देना था इस विशाल विराट बुद के आकार प्रकार की बनावट बुनावट से दुनिया भर के बेहतर से बेहतर इंजीनियर सलाहकार भूगर्भ शास्त्री जल विशेषज्ञ। दिस वॉज द ओरिजिनल कलर जो था ना पहले, अभी थोड़ा रस्ट हो गया। साधु देव के दावों पर साकार होने लगा एक ऐसा गगनचुंबी स्वप्न जिसे देख दुनिया चकित थी। ये सोचकर ही मन रोमांचित होने लगा कि इस विशाल मूर्ति के ऊपर से सरदार सरोवर और गरुड़े थिएटर है, ग्रीन गैलरी लिफ्ट इधर है। इधर से क्या है कि ऊपर जो चेस्ट है ना वहाँ तक जाने का रास्ता है, वहाँ से व्यू देखा जा सकता है नीचे तक का। कुछ बर्ड्स दिखना रहता है, लोकल ट्राइब है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। द टर्म राठवा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड राठविस्ता व्हिच रिफर्स टू द फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज। दे आर बिलीव्ड टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तैयारी कुछ म्यूजियम अंदर है जहाँ पे हम पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आ सकते हैं, कैसे ये बिल्डिंग का जो है कैसे बिल्डिंग बनी गई है, कहाँ कहाँ से चीज़ें कलेक्ट करी गई हैं। शब
अब लेते हैं मेकअप प्लेज नेम। Location I place to respect all religions. Sare. Everything is good, but जो बीच में है वो से दे देते हैं। कुलदीप भी प्लेज लेगा। कुलदीप तो गाइस सब कुछ नीचे म्यूजियम में हम लोगों ने देख लिया, ऊपर भी होके आ गए। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा इस व्लॉग को। थैंक यू सो मच।